बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आपका तशरीफ़ लाना हमारे लिए इंतहाई तौर पर काबिल इफ्तिखार है। परसों हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग के दौरान मेरी बहन ने भी तकरीर की, दूसरी बहन ने भी तकरीर की, हमारे दोस्त साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया। तो मैंने एक बात कही थी कि अमानतुल्लाह चौधरी, जिनका उनको उन्होंने भी जिक्र किया है, हकीकी बात यह है, सच बात यह है कि अमानतुल्लाह चौधरी अकेले ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके दरबार पर या इनके डेरे पर या इनके दफ्तर में कोई शख्स भी गया, कोई अजनबी है, वो वाकफ कर है, किसी ने सवाल किया है, किसी ने नहीं किया। खुदा शाहिद है कि इन्होंने उसकी भरपूर हौसला अफजाई। एक दिन मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? वो तो कहा तनख्वाह मत पूछें, आपको आता है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ने मुझे कोई सलाहियत ऐसी बख्शी है कि मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं इनकार मुझसे इनकार नहीं हो सकता, जो मेरे पास होता है मैं दे देता हूँ। और ये कोई एक माह से नहीं, एक साल से नहीं, साल हर साल से लगे हुए इसी तरह से। उसके बाद इनके जहन में दो तीन दिन पहले एक तजवीज़ सामने आई कि ऐसा क्यों ना हो कि कोई ऐसी वेलफेयर सोसाइटी बनाई जाए जिसके जरिए तमाम लोगों को कुछ ना कुछ एनकर्ज किया जा सके। हम दोस्त हैं, उनको मिलने जाते हैं, हम भी उन्हें तकलीफ देने जाते हैं, और बेशुमार हमारी तकलीफें ये हल करते हैं। तो बिस्मिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब, आपने दाऊद साहब, भट्ट साहब, यहाँ शफाक भट्ट साहब नहीं है, तो कुछ खामोश लोगों ने मिलकर अमानतुल्लाह चौधरी साहब की हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने कहा कि जनाब आप क़यादत करें एज ए प्रेजिडेंट और हम आपके साथ। तो उन्होंने किया कि एक दिन उन्होंने नाम तजवीज किया है, दूसरे दिन ये अमल परी हो गया और आज हसबे तौफीक ये जो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे उन्हें प्लेस कबूल कीजिएगा। आइंदा से ये एक अच्छा लाइव अमल बना रहे हैं पाकिस्तान लेवल पर। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप गवर्नमेंट के आदमी करोड़ों रुपया वहाँ से मंगवाएं, इस्लामाबाद से आपको मिल सकता है, तो इस तरह से लोगों को दें तो 5-10 लाख रुपया लोगों को दें। ये नहीं है कि छोटे छोटे चीज़ें जो हैं, ये आज आप इसकी बुनियाद आपने रखी है, बहुत अच्छी बुनियाद रखी है, लेकिन इतना रुपया मंगवाए तो जो भी आए उसमें दूसरी दफ़ा आपके पास ना आए। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मानते हुए साहब का आपका।